अपने उरूज पर आ जाता है, बिल्कुल उसी के हुक्म में पे मैं सर झुकाऊं, मुझे ऐसी तो कोई लाचारी नहीं है। किसी के हुक्म पे मैं सर झुकाऊं, मुझे ऐसी तो कोई लाचारी नहीं है। अंधेरे को उजाला क्यों लिखूं मैं, कलम मेरा है सरकारी नहीं है। दुनिया में के आसमां भी तेरी रफ़तों पे नाज करे। अगर मैं सिर्फ कंप्लेंट करता रहूंगा तो क्या बदलाव ला सकते हैं इसमें? जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे, सिस्टम को नहीं बदल सकते। सिस्टम में आना जरूरी है। सिस्टम के बाहर आप सिर्फ चिल्ला सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लिख के बताओ, लिख के काउंटर करो, सड़क पे डर के बोलने से कुछ नहीं होता। देखने में मिलता है कि हर कोई आजकल रियल एस्टेट में जा रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कुछ और कर रहा है, तो अक्सर ही ऐसा देखना मिलता है, बहुत कम, कि कोई अखबार शुरू कर रहा हो। ये पाक्षिक पत्रिके अंतर ಎರಡು ಭಾಷೆ ಇದ್ರೂ ಸಪರೇಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉರ್ದುನೂ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ? ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ ಹುಡುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾ ನೋಡ್ತಾನ, ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರಾರು ಉರ್ದುದಾಗ ಓದ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜನರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. जाफर कलाद जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज दिन वो एक करके आज ये पेपर स्टार्ट हुआ है, उनकी मेहनत है। और एक बार मैं उनको मुबारकबाद देते हुए, बीजापुर मेरा, बीजापुर से नया ये पेपर शुरू हो रहा है, इस अवसर पर मैं जाफर कलाद जी को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। होटल में जाके 5,000 खा के आते हैं, खेमा खा के आते हैं, बिरयानी खा के आते हैं। हाँ, सोलापुर के जाके 20,000 रुपए का कपड़े लेते हैं। यहाँ पर मेहनत करके दिन रात का प्रिंट करके जो आदमी मेहनत लगाता है, जो अपना न्यूज बनाता है, हम लोगों को बड़ा बनाता है पेपर, वो पेपर को हम 2-3 रुपए दे के खरीद ही नहीं करते। और हम बड़े बड़े बाता बोल के कट्टे पर बैठते हैं। जहां तक मेरा तजुर्बा है, 25 साल का, वो डिफेंस ले रहे थे, अपने हद तक सरासर बिका हुआ, इसमें कोई शक नहीं, किसी से डरता नहीं, सीधे कभी नहीं। जाफर कलादी जो मेरे बच्चे आज जो बीजापुर मिरर जो पेपर निकाले हैं, वो बिकने वालों में से नहीं। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, इंशाल्लाह कुछ पैसों की भी जरूरत क्यों ना हो, हम सभी मिलाकर बीजापुर शहर वाले मिलाकर उनका साथ दें। माध्यम जोतेगे प्रिंट मीडिया मत्तु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अंत बेर्पड़ी ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत समीपदा नोड़ सदर्भली प्रिंट मीडिया महत्व कड़ी आगे अब प्रिंट मीडिया महिती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साध्य। आप जब बात कर रहे थे, आपके जज्बात, आपके आंखों में आंसू, वो ये साबित कर रहा था कि आप कभी हारेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह आपको कामयाब करेगा। लोग हैं बगैर डरे पेपर में लिखते हैं, मैं आज उनको इस स्टेज से मैं सलाम करता हूं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मकाम मसरत है कि आज शहर बीजापुर में एक अजीम कारनामा अंजाम दिया जा रहा है। ये अजीम कारनामा इसलिए कह रहा हूँ कि ये तकरीबन 200-300 साल से जो गैप था, जो तारीकी थी अदबी तौर पर, सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर, 200-300 साल से इकबाल के शेर के मुताबिक के 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद। 300 साल से इसी तरह बीजापुर में भी तकरीबन 250 साल से सिकंदर आदिल शाह के बाद तकरीबन 250 साल से एक तारीख फिजा थी। कोई अदबी कारनामा आप नजर डालिए, जायजा लीजिए, तारीख का जायजा लीजिए, अदब की तारीख देखिए, तो 250 साल में कोई अदबी कारनामा नहीं है। हालांकि इसका दिन, इस अखबार की इजरा का दिन मेरी नजर में तारीखी अहमियत का हामिल है। तो नहीं बोलने का हवस, अगर छंद बोले तो यक बैत बस। हमारे मुदीरान और अखबार के मालिका मुस्तकर तौर पर कौमी और मिली खिदमत में मगन रहे, मिली खिदमत करते रहे, इसलिए कि मैं इन लोगों को, ये कलादी का जो खानदान है, ज़मनन एक बात याद आ रही है कि कलादी से आने वाले बहुत से खानवादे, एक 60 साल तारीख मेरी नजर में है,
मैं इन लोगों को, इनके बुजुर्गों को जानता हूँ, 60 साल तारीख मेरी नजर में है।